हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आप लोग को बताना चाहते हैं कक्षा 9वीं की गणित अध्याय आपका 6 है। पाठ का नाम है आपका रेखाएं और कोण, अध्याय प्रश्नावली 6.1 और त्रिमासिक परीक्षा 2024 MCQ फॉर्मेट में हम क्वेश्चन आपके हल करवा रहे हैं। इसके हमने पीछे के वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न 2 और हम आपको प्रश्न 3 हल करवा रहे हैं। प्रश्न 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जाना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तीसरा, जितनी इसकी तारीफ करो उतनी ही कम है, छोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए खास है वो, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें, छोटा है ज्यादा मतलब फ्री के नंबर में नहीं। तो जे देखो, एक आखिर दिए थे मैं क्वेश्चन, सीधा 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 पहले क्वेश्चन ही पढ़ो, करियो का पढ़ो पहले क्वेश्चन, सवाल पढ़ो, अपन देखो पहले सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ आएगा समझ में, पहले इसको देखो। इसमें लिखा है आकृति 6.15 में, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR कोण PQR जो कोण E के बराबर, पी क्यू आर के बराबर क्या है, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू बराबर है तो सिद्ध करने सिद्ध कीजिए कि कोण PQS जो कोण E के बराबर है कोण PRT के, तो अपन सिद्ध वो करना है, ठीक है। तो अपन एक चीज तो देख रही, क्या देख रही, कछु ना कछु तो देखे, देखो अपना आपने देखो ई में कछु नहीं तो जी दो कोण बराबर, जैसे जो इतने जितना कोण इतने, जैसे अपन एक कोण मान लें, अगर इतने एक मान लें तो जो एक भी कहा आएगा, मतलब इसको ना मारा गया तो वैसे भी कोण ये दो दे राइट, ये अगर दो दे दे रहे अपन ना, ये तीन दे दे रहे, ये चार। अब सोचो अगर कोण एक के तो एक कोण एक बराबर कितना, जैसे कोण एक बराबर दो है और तुम बात हो इन जैसे देखियो बना था 3+1 बराबर कितना होगा चार, बात 3+1 बराबर कितना, ये 180 का फिर कोण रहा है तो जोड़ नहीं रहा है, जोड़ नहीं रहा है कोण मान है ना, मिले जैसे कोण 2+1 और कोण 4 बराबर कितने हुई है 180, बताओ जो भाग बराबर जी दो बराबर तो जी दो बराबर, जैसे कोण 3+1 कोण 1 बराबर कोण 2+1 कोण 4 ऐसे हो जाए, तो कोण एक बराबर दो सौ कोण एक की जगह कितने रख दे रहे अपन, दो कोण 1+2 कोण 2+4, तो जे कोण दो से कोण दो कट जाएगा तो कोण 3 बराबर क्या जाएगा 4, कोण 3 या गया कोण 3 बराबर 4 जी सिद्ध करने वे, तो अपन के नाम देखे एक नाम, अगर अपन नाम से स्पष्ट है तो नाम से भी ऐसे तो कर देने, रेख लगा के दो बराबर कर देने, फिर अपन तो एक कमान रख देने बराबर दही है तो आराम से निकलिए, देखियो निकलिए ना इनके अपन ऐसे मान ना रख भी, अपन रख भी कैसे मान के जिन दाए हैं भी ले भी, अपन फालतू में ना सोच भी के ना, पहले कोण एक लिख के मान लो हमने जो पी क्यू आर है तो मान लो जो तो रावला ना कर ले, बहुत हमने आपका दिखाया है ऐसा, ठीक है। तो सच बात बताएं आपका, तो जो आप क्वेश्चन है वही लिखना दिया है क्या आकृति में, जो कुछ आपको दिया हो आकृति में वो सीधा लिख लो, अपन आपकी वे आकृति में क्या दिया, ज्यादा कुछ नहीं दिया आपको, जो कौन दिया बराबर तो आकृति में लिख दो कौन पी क्यू आर बराबर का है कौन पी आर क्यू, कहा पी आर क्यू, इतनी चीज अभी मैं सिद्ध करना भी तो अपन का बगल में लिखने सिद्ध करना, जो सिद्ध कर भी वाले हैं तो मैं सिद्ध करना की हेडिंग जरूर बनाने, सिद्ध कर भी हाँ लगाने बिल्कुल सिद्ध, और सिद्ध करने तो सिद्ध तो करना ही पड़ेगा, सिद्ध करना तुम्हें लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना कहा अपना सिद्ध, सिद्ध कोण पी क्यू एस बराबर अपना कोण पी आर टी करने, ठीक है चीज करना, अब इतना पति एक हेडिंग डाल दो पति या प्रमाण बोल दो, पत्ते या प्रमाण, और पत्ते में अब लगाना है यहाँ से हल्का देंगे चालू। सबसे पहले आपको कुछ देखना, सबसे पहले इसको नाम देना हो तो दे लो, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको रेख में बन रहा है तो रेख में दोनों में लगा देना, ठीक है, दोनों साइड रेख में बन रहा है, इसका रेख का पी क्यू एस प्लस का हो जाएगा
क्योंकि ये दोनों एक है तो दोनों पक्ष में ये दो ही आएंगे तो हट जाएंगे। ठीक है, तो भाई तरीका लगा रहे तो हट जाए, क्योंकि लिखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ठीक है, क्योंकि कोण पी क्यू एस प्लस ये कोण में जो थे पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये दोनों को योग करते हुए एक साथ से पी क्यू आर बराबर एक साथ से, ठीक है। इधर एक और लगे जाए कैसे दो ही बना था, कोई एक स्मार साइड कोई इस साइड कोई जो जो तो एक साथ से बने, तो कर दे कोण पी आर टी प्लस के कोण पी आर क्यू तो एक साथ से इनमें करते हैं। समीकरण एक समीकरण दो बगल पे लिख देंगे कैसे रेखियों से है, कैसे रेखिए युग्म से जो चीज कहाँ से निकाली अपन ने रेखियों से, कैसे कैसे अपन दो ही जगह देख रहे थे रेखियों भर रहा है रेखियों में दोनों जगह रेखियों भर रहा तो दो ही जगह को रेखियों लग तो रेखियों से अलग अलग लिखने पर तो देखो तो अपन अब क्या करें देखो देख रहे हैं याद सोचो कि ई वाले ई पी ए ई एक्स वस्ती का मान उठा के इधर सीधा पी की वाले उठा दिए, या सोचो जे दो भाग बराबर हैं जे दो बराबर तो जे दो भी बराबर हुई है आपस में तो इन्हें भी बराबर कर दे हैं अपन, जे बराबर तो जे भी दो बराबर होंगे तो इस लग दे समीकरण एक हुआ दो से का लग दे समीकरण एक हुआ दो से, जब तक नाय को हिस्सा बराबर तो नाय को हिस्सा ना बराबर कैसे जे ये बराबर है जे के बराबर तो जे दो के बराबर है तो जे दो भी के बराबर होता है, ठीक है। एक है सो कोण पी क्यू एस प्लस के कोण पी क्यू आर बराबर का हो जाए कोण जो वाल को सही के बराबर हो जाए पी आर टी प्लस के कोण पी आर क्यू, अब आप खान दिखा रहा हूँ कि पी क्यू आर बराबर का हो पी आर क्यू, पी क्यू आर की जगह बैठा सके तो अपन पी आर क्यू, तो अपन एक जगह मान रखते हैं पी क्यू आर देंगे तो पी आर क्यू तैयार है, मान चेंज कर दो पी आर टी प्लस के कौन पी आर क्यू, अपन ने क्या कर दो कैसे पी क्यू आर की जगह पर मार दे एक ही देर यूज कर सकते जहां जहां पर यूज कर लो इसको बस एक ही देर के लाने वैलिडिटी तो हर जगह यूज कर थोड़ा दो जंगा यूज करो तो हर गलत हो जाए एक ही यूज करनी होती है एक ही जंगा हुआ तो अब हमने इसको यूज कहाँ कर लिया है कौन पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू बिठा दिए इधर पर, तो देख रहे हैं आप खान दोनों पक्ष में जो पी आर क्यू एक साथ प्लस प्लस का जो इसको नाइन लाएंगे तो घट जाएगा तो पी आर क्यू से पी आर क्यू काट दे है तो बचेगा आपको पी क्यू एस बराबर का बचेगा पी क्या बचेगा पी आर टी सिद्ध करने तो जी देखो अपने कैसे देखा जो पी क्यू एस बराबर पी आर टी पी क्यू एस बराबर पी आर टी आ चुका तो इधर लिख देना इति सिद्धम का होगा इति सिद्धम जी सिद्ध हो चुका क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था बहुत छोटा सा था इसलिए हमने कहा था कि जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आ सकता बिल्कुल आ सकता गारंटी दे रहे हम आपको एक कि जो पेपर में रखो मिले अगर त्रैमासिक पेपर में छह पार्ट तक आओ तो जो आपको जरूर मिले छह दशमलव को क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, अब बासी पेपर भी समझे तो बासी पेपर में पक्को ही कहा तो जाए आ है जरूर पहला दूसरा तीसरा चौथे में से एक जरूर आएगा और कुछ उदाहरण भी अच्छे हैं तो उदाहरण भी लगवा दे जो अच्छे हुई है, और दोस्तों हम लेते हैं इस वीडियो में अभी विदा और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें हमारा, मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।